हेलो फ्रेंड्स, रतलामी जायके में आपका वेलकम है। आज मैं आपके साथ विंटर स्पेशल रतलाम के प्रसिद्ध गराड़ू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हम सबसे पहले बनाएंगे सॉफ्ट गराड़ू, जो मुंह में जाते ही घुल जाए, और उसके बाद बनाएंगे क्रिस्पी गराड़ू, जो अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी रहेंगे। अगर आपने इस तरह से गराड़ू बना लिए तो मेरी गारंटी है आप हमेशा इसी तरह से बनाएंगे। सबसे पहले बनाएंगे हम रतलाम के प्रसिद्ध सॉफ्ट और मक्खन की तरह बनने वाले गराड़ू। सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख देते हैं, तो तेल मैं बहुत ज़्यादा नहीं लूँगी, थोड़ा कम लूँगी। और कढ़ाई आपको बड़ी लेनी है, क्योंकि जब हम इसमें गराड़ू डालेंगे तो वो थोड़े ऊपर तक आ जाएंगे, तो इसलिए आप कढ़ाई थोड़ी सी बड़ी लें। तेल गरम हो रहा है, तब तक हम गराड़ू के छिलके निकाल लेते हैं। इसके छिलके बहुत पतले रहते हैं तो बहुत आसानी से निकल जाते हैं, लेकिन आपको इसे अच्छे से निकालना है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे से कांटे भी होते हैं, तो आप उसे अच्छे से निकाल दें। जब आप गराड़ू काट रहे हैं तो बच्चों को इससे दूर रखें, क्योंकि जब स्किन पर छिलके लगते हैं तो उस जगह पे खुजली चलने लगती है, तो बच्चों को आप इससे दूर रखें। ये मैंने दूसरी प्लेट ली है और इसके हम इस तरह से पीस कर लेंगे। मैं आपको गराड़ू के छिलके निकालने का दूसरा तरीका भी बताऊंगी, जो तरीका आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से इसके छिलके निकाल सकते हैं। तो पहले हमें जितना बड़ा इसे काटना है उतना बड़ा इसे काट लेंगे। और इस तरीके से हम चाकू से छिलके निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात सजेस्ट करूंगी कि ये देखिए, इसमें डबल कलर है, इसका मतलब ये थोड़ा सा कड़क है, तो आप इसे खाए नहीं, इसे फेंकना है। जो गराड़ू का पीछे का हिस्सा रहता है, आप इसे इतना पोर्शन फेंक दें, क्योंकि जब आप इसे फ्राई करके खाएंगे तो ये गले में फंसेगा, तो ये आपको नुकसान दे सकता है, इसलिए आप इसके पीछे का हिस्सा फेंक दें। तेल गरम हो गया है, तेल को बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, बस हमें गरम ही करना है, मतलब मीडियम गरम करना है, और आप इस तरह से इसे चम्मच से डालें, क्योंकि गराड़ू बहुत चिकने होते हैं तो एकदम से हाथ से स्लिप हो जाएंगे, तो तेल आपके ऊपर आ जाएगा, इसलिए आप इस तरह से इसमें गराड़ू डालें। अभी मैंने गैस की फ्लेम तेज रखी है, और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कढ़ाई में गराड़ू इतने ही डालें कि वो आसानी से तेल में डूब जाए। गराड़ू को कुछ माइक्रो कर लेते हैं और कुछ कुकर में सीटी ले लेते हैं, लेकिन जो मेन टेस्ट है वो इसी तरह से इसका आता है। गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे और इसे हम स्लो फ्लेम पर ही पकने देंगे। लगभग आधा घंटा लगेगा इसे पकने में। गराड़ू पक रहे हैं, तब तक हम इसका मसाला बना लेते हैं। तो जार में एक चम्मच साबुत लौंग लेंगे, एक चम्मच साबुत काली मिर्च, एक चम्मच जीरा, तीन बड़े चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चौथाई चम्मच हींग, आधा चम्मच सादा नमक, आधा चम्मच काला नमक, और इसका हम दरदरा पाउडर बना लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे दरदरा पीस लिया है। गराड़ू को आप बीच बीच में हिलाते रहें, क्योंकि अगर आप इसे हिलाएंगे नहीं तो ये नीचे से लाल हो जाएंगे, तो आप इसे बीच बीच में हिलाते रहें। अब हमें पता कैसे चले कि गराड़ू अच्छी तरह से पक चुके हैं, तो उसके लिए आप एक चाकू लें और उसे आप इस तरह से डालकर देखें। अगर आसानी से चाकू आर पार हो जाता है गराड़ू में,
मतलब नीचे तक चाकू चले जाता है, इसका मतलब गराडू पक चुके हैं। जो हमने पहले गराडू डाले थे वो पक चुके हैं और साइड में हम थोड़े गराडू और डाल देते हैं। जो हमने पहले गराडू डाले थे वो अच्छी तरह से पक चुके हैं, तो इसे हम निकाल लेते हैं। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे क्योंकि इसे हम ज़्यादा देर रखेंगे तो ये तेल में ही बिखर जाएंगे। तो सभी गराडू को हम निकाल लेते हैं। इस गराडू की खासियत ये है कि ये पूरी तरह से तेल में पकते हैं, लेकिन जब आप इसे खाएंगे तो मुँह में तेल बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये रतलामी गराडू बनकर तैयार हो गए हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट और एकदम मक्खन की तरह बनते हैं, तो इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई करें। ये देखिए गराडू कितने सॉफ्ट बने हैं, बिल्कुल मक्खन की तरह। अब मैं आपको इसे बनाकर बताऊंगी कि किस तरीके से बनाया जाता है। तो एक चम्मच से आप इसे इस तरह से दबा दें। इस पर जो हमने गराडू मसाला बनाया था वो थोड़ा सा डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें नींबू का रस डाल देंगे। आप इसमें मसाला और नींबू अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं कम ज़्यादा। और देखिए ये हमारे गराडू बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट बनाएंगे क्रिस्पी गराडू। अगर आपको सॉफ्ट गराडू नहीं पसंद है तो हम क्रिस्पी गराडू बनाएंगे। तो जो हमने पहले से पके हुए गराडू लिए हैं उसे मैंने ठंडा कर लिया अच्छी तरह से, और अब हम इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। आप इस तरह से पहले से गराडू को पका सकते हैं और उसके बाद जब ठंडे हो जाए तो इस तरीके से कट करके रख सकते हैं, और जब आपको गर्म करके खाना है तब आप इसे तुरंत 5 मिनट में फ्राई करके बना सकते हैं। ये मैंने सभी गराडू को काट लिया है। तेल को मैंने बहुत अच्छी तरह से गरम कर लिया है और इसमें जो हमने गराडू काटे हैं वो सभी डाल देंगे। गैस की फ्लेम आपको तेज ही रखना है और इसे हम क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए मैं गैस की फ्लेम मैंने तेज ही कर रखी है और इसे हमें पकाना नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी पके हुए हैं, तो बस हमें इसे क्रिस्पी होने तक ही फ्राई करना है। ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है गराडू का। तो गराडू अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं और क्रिस्पी भी हो गए हैं, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आप पहले से इसे पका लें और ठंडा करके आप इसे पीसेस में कट कर लें, तो इससे क्या होगा कि गराडू अंदर से एकदम सॉफ्ट रहेंगे और ऊपर से एकदम क्रिस्पी। गराडू अगर पहले से पके हुए रहेंगे तो आपको इसे क्रिस्पी होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। जितने भी मेंबर्स को आपको सर्व करना है आप फटाफट उन्हें क्रिस्पी करके सर्व कर सकते हैं। अब हम क्रिस्पी गराडू में भी चटपट मसाला डाल देते हैं। इसमें डालेंगे गराडू का मसाला, आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं। और इसमें डालेंगे हम नींबू का रस, आप जितना खट्टा पसंद करते हैं उतना नींबू का रस डाल सकते हैं। इसे अच्छी तरह से हम टॉस कर लेंगे। अब एक गराडू में आपको तोड़ के दिखाती हूँ, तो देखिए ये ऊपर से तो क्रिस्पी है और अंदर से कितना सॉफ्ट है ये। फ्रेंड्स रतलाम के गराडू बहुत फेमस है, तो मैंने आज आपको दो तरीके से बनाना बताया है, सॉफ्ट और क्रिस्पी। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से गराडू बना सकते हैं।